नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट के बारे में सबको पता है कि उसकी चाल कैसे हो, कैसे चलता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बिजनेस मॉडल में, ट्राइडेंट का रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो न्यूज़ है जिसके वजह से आज इसमें अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। ठीक है, एक चीज़ हम आपको बता दूँ, क्या है कि ये कल या परसों के एक वीडियो में एक व्यूअर ने पूछा था कि सर आपने लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का पिक्स लगाया आपने यूट्यूब पे, उसके पीछे का रीजन बताइए। तो उसके पीछे का रीजन एक है, देखिए हमने डाला लेट्स स्टार्ट लर्न एंड अर्न मनी, मतलब जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, सीखने का जो सिंबल है सरस्वती जी हैं, और अर्न मनी मतलब कि पैसा जो कमाने का जो सिंबल है और लक्ष्मी जी, इसलिए हमने इसे लगा रखा है। तो आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अब मेरा ये यूट्यूब चैनल और यूट्यूब का जो वॉलपेपर है कह सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्राइडेंट के बारे में डिटेल में, और उस न्यूज के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से आज इस शेयर्स में आग लगी। पहले हम जान लेते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। देखिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल आप देखेंगे तो वो है होम टेक्सटाइल, यार्न, पेपर एंड केमिकल एनर्जी सेक्टर। जो सबसे अधिक जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होम टेक्सटाइल से होता है, फिर केमिकल से होता है, फिर एनर्जी सेक्टर से, तो फिर लास्ट में पेपर से होता है। जी हाँ, और एक चीज हम इस कंपनी के, देखो तो लोग कहते हैं कि ट्राइडेंट एक पैनिक स्टॉक, बट हमारे लिए पैनिक स्टॉक नहीं है, क्योंकि देखिए फंडामेंटली कंपनी बहुत जबरदस्त, बहुत मजबूत है। और पैनिक स्टॉक कब बन जाता है, जब क्या इसका जो शेयर प्राइस है एक रेंज बाउंड काम करता है, तब वो पैनिक स्टॉक के कैटेगरी में चला जाता है, इसलिए लोग इसे पैनिक स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका चलने का चाल है बहुत स्लो है। ठीक है, इसके पीछे का ये भी एक रीजन बन सकता है पैनिक स्टॉक स्टॉक के लिए। ठीक है, अब हम जान लेते हैं वो इम्पोर्टेंट बात जिसके वजह से इसमें कंपनी में आग लगते हुए आज दिखाई दिया। देखिए, कहीं इस कंपनी पे आप इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आपको होल्ड करना चाहिए, और अच्छे प्राइस के लिए। और कहीं आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस के को रखकर ही ट्रेड करें, क्योंकि इसमें अब आने वाले टाइम में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए, 100 कंट्रीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है, और 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है, और कितने एम्प्लॉय हैं, 13,500 एम्प्लॉय हैं। मैन्युफैक्चरर टू टेरी द 12 ग्लोबली नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कैसे हुआ है, पैनिक स्टॉक नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस न्यूज के बारे में भी बात करेंगे, उसके पहले थोड़ा कुछ और जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। उसके लिए चलते हैं ट्राइडेंट के सॉरी इसके लिए चलते हैं टिकट ट्रिप्स के वेबसाइट पे। देखेंगे आज का जो कामकाज हुआ, 1 day 4% का उछाल देखने को मिला इसमें। ठीक है, हायर पे ₹15 तक गया था। वहीं बात करें फाइनेंशियल डेटा की, बात करें तो फाइनेंशियल डेटा मैंने आपको क्या बोला था, कंपनी की फाइनेंशियल डेटा भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है। ग्रीन ग्रीन का मतलब ग्रीन सिंबल होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इंक्रीज मार्केट शेयर्स, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है इनका। ठीक है, रिटर्न वर्सेस एफडी जो रेट है मतलब वो भी अच्छा है, मतलब क्या जो ये डिविडेंड बांटती है वो भी अच्छा डिविडेंड देती है। डिविडेंड रिटर्न की बात करें तो वो भी गुड डिविडेंड प्रोवाइड कराती देती है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक इन नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब ओवरबॉट जोन में नहीं है, आप इसमें इंटर कर सकते हैं। अब देखिए, आप फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो इबिटा की बात करें यहाँ पे, तो इबिटा में थोड़ा सा 2020 में फाइनेंशियल ईयर 2020 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला इबिटा में, बट वहीं टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू भी 2020 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन आपको पता ही, COVID-19। ठीक है, वो नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा पर ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें वही कंपनी की शेयर होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग भी जबरदस्त है इस कंपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर के पास 73.02% है। वही बात कर ले फॉरेन इंस्टीट्यूशन की, बात कर रहे हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टेंट 1.60 के साथ साथ बने हुए हैं। वही बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने कोई इसमें होल्डिंग अपना नहीं रखा है, 0 है। ठीक है, और इसमें जो सबसे अधिक होल्डिंग है प्रमोटर के पास है, फिर उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर होता है हमारे और आप जैसे लोगों के पास है, फिर उसके बाद कर ले फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है, मतलब साफ सुथरी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात कर ले डिविडेंड की, बात कर ले तो कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा पे आउट करती है। देख रहे हैं कंपनी ने डिविडेंड मार्च इसने 27 फरवरी 2020 में 0.18% के आसपास इंटरिम डिविडेंड दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 19 में देख ले हैं तो 19 में इसने 2 बार डिविडेंड पे आउट किया था,
1919 पैसे का, मतलब 1 रुपए 80 पैसे के आसपास ने डिविडेंड पे आउट किया था। तो सॉरी, यहाँ पे 60 पैसा भी है और 1.20, मतलब इसने कई बार 2019 में डिविडेंड पे आउट किया था, मतलब कंपनी डिविडेंड पे आउट करने में भी अच्छी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस न्यूज के बारे में जहाँ पे ये न्यूज आते ही जबरदस्त इसमें तेजी देखने को मिला था। पहले फॉरकास्ट कर लेते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्राइस फॉरकास्ट। यहाँ पे 3 एनालिस्ट ने ट्रैक किया है इसे और 100% बाय की रेटिंग दिया है। यहाँ पे देखेंगे हायर वैल्यू 18.56 रुपए, मतलब कि जो हायर ग्रोथ है 26% का अभी भी इसमें देखा जा रहा है। ठीक है, मीडियम टर्म का वो मीट हो चुका है, लोअर लोअर साइड वो 9.96 का है। ठीक है, अब वही हम बात कर लेते हैं उस न्यूज के बारे में जो जिस न्यूज के आते ही इस शेयर में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। उसके लिए चलते हैं न्यूज पे। देखिए न्यूज पे आया कि बाय ट्राइडेंट टारगेट प्राइस 19 रुपया मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल के बारे में आप भी जानते होंगे कि मोतीलाल ओसवाल क्या करती है। मोतीलाल ओसवाल एक एएमसी कह सकते हो, एक फंड मैनेज कंपनी कह सकते हो, और एक क्या कहते हैं, एक रिसर्च फर्म भी कह सकते हो। ठीक है, उसके उन्होंने क्या अपना प्राइस टारगेट रखा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उसको डिस्कस करने के लिए हम इकोनॉमिक्स टाइम्स का सहारा लिया है, मतलब हेल्प लिया है। देख रहे हैं यहाँ पे बाय ट्राइडेंट टारगेट प्राइस 19 रुपए, मोतीलाल ओसवाल सेड दैट। ठीक है, अब इसके पीछे इन्होंने क्या क्या अपनी फाइंडिंग दी है, उस फाइंडिंग के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बोला है कि जो ट्राइडेंट के जो मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ 1990 में हुआ, और जिसकी मार्केट कैप है 7,185, अच्छा खासा मार्केट कैप है। ठीक है, और इन्होंने ऑपरेटिंग टेक्सटाइल सेक्टर का जो मेन कोर रेवेन्यू जनरेट करने का वो जो सोर्स है वो है टेक्सटाइल सेक्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए वो फाइनेंशियल ईयर एबिटा के बारे में डिस्कस किया है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है। इन्होंने बोला कि आने वाले अपकमिंग क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, और इन्होंने इन्होंने ये भी बोला कि सपोर्टेड बाय इंप्रूविंग द डिमांड लीड द ऑपरेटिंग ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेट ऑफिस एंड स्टार्ट न्यू एकेडमी ईयर। ठीक है, ऑल ओवर देखें इस न्यूज का, तो इन्होंने बोला कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी अच्छा खासा इंप्रूव करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है, इसके वजह से इस शेयर का प्राइस 19 रुपये जा सकता है। तो ऑल ओवर देखें तो इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। कहीं आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो बने रह सकते हैं और इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। बट इसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। जिस तरह आपको पता है ट्राइडेंट बहुत स्लो चलता है, मतलब जो इसकी चाल है बहुत स्लोली स्लोली चलता है, और कहीं इसमें आपको ट्रेडिंग करना है स्टॉप लॉस जरूर लगाकर ट्रेड करें। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल को लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।